Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Hello guys, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी हम उसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है, तो आइए देखते हैं हम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि प्रॉब्लम पेपर पे मैंने लिख लिया है पहले से, तो मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, z स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई जेड प्लस एम प्लस 2i इक्वल्स टू 0, वेयर m बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। सपोज द इक्वेशन हैज रियल रूट, ओके, सपोज दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, देन फाइंड द नॉन रियल रूट। तो आपको बताना है नॉन रियल रूट क्या होगा। अगर ये इक्वेशन एक रूट रियल रखता है तो सॉल्यूशन। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या? क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो रूट रखता है, अगर एक रूट नॉन रियल रूट हुआ तो डेफिनेटली दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक रूट रियल है और एक रूट नॉन रियल है, हाउ इज इट पॉसिबल, ओके। सो सोचने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल है, कि उस कॉन्सेप्ट में जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि वहां पे अगर नॉन रियल रूट आते हैं तो हमेशा वो कॉन्जुगेट के फॉर्म होंगे, दोनों रूट्स नॉन रियल होंगे। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और यहाँ पे एक रूट रियल है और एक रूट नॉन रियल है। तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। उस जगह पे जो आपका एक्स वेरिएबल था वो वेरिएबल रियल नंबर को बिलोंग करता था, इसलिए वहां पे दोनों रूट जब आएंगे तो कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो डेफिनेटली वो क्या रियल रियल रूट हो गया, पर वो है तो कॉम्प्लेक्स क्योंकि हम रियल नंबर्स को प्लस जीरो आई करके लिख सकते हैं। तो इतना सा डिफरेंस है। तो आइए आप सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है। आइए आप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम निकालते हैं नॉन रियल रूट, ओके। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी ए रियल रूट, ऑफ जेड स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आई जेड प्लस एम प्लस टू आई इक्वल टू जीरो। सपोज कर लिया अल्फा इसका रियल रूट है। अब अल्फा इसका रियल रूट है तो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आई अल्फा प्लस एम प्लस टू आई इक्वल टू जीरो, ओके। अब हम अल्फा को कलेक्ट करते हैं, सो यहां से आपको एक अल्फा स्क्वायर मिलेगा माइनस यहां से आपको मिलेगा थ्री अल्फा और यहां से आपको मिलेगा एम। जो रियल पार्ट है उसको हमने कलेक्ट कर लिया, प्लस यहां से आपको क्या मिलेगा टू, यहां से माइनस अल्फा इंटू आई इक्वल टू जीरो, ओके। सो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू जीरो है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो साइमल्टेनियसली उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो होगा एंड ये जीरो होगा। सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस एम इक्वल्स टू जीरो एंड टू माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर अल्फा इक्वल्स टू टू, आपको अल्फा की वैल्यू टू मिल गई। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, सो लेट्स से दिस इज वन दिस इज टू, सो वैल्यू ऑफ अल्फा
putting in one. So देखते हैं हमें क्या मिलता है. We have टू square minus 3 into 2 plus m equals to 0 और 4 minus 6 plus m equals to 0 minus 2 plus m equals to 0 और m equals to 2. अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया m equals to 2. अब ये m equals to 2 हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे. ओके हम यहाँ पे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है. सो द वैल्यू ऑफ p द वैल्यू ऑफ m पुटिंग इन इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 3 प्लस i z प्लस m प्लस 2i इक्वल्स टू 0. सो वी हैव z स्क्वायर माइनस 3 प्लस i z प्लस 2 प्लस 2i इक्वल्स टू 0. ओके अगेन अब ध्यान से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखिए. आपका रूट कुछ भी हो, जैसा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, रूट कुछ भी हो पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स, वो कॉन्सेप्ट तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लागू होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करती हो चाहे वो रियल नंबर को बिलोंग करता हो. तो इस केस में हम वही रूल अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे देख रहे हैं जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या है, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस आई बाय 1 दैट इज 3 प्लस आई एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 प्लस 2 आई. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या है 2 प्लस 2 आई, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस आई. नाउ आप देख सकते हो यहां पे एक रूट क्या है 2, दूसरा रूट क्या है 1 प्लस आई. So, इस केस में एक रूट क्या है आपका रियल रूट है, एक रूट नॉन रियल रूट है. सो यहां से आपको पता चल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नॉन रियल रूट कितना है 1 प्लस आई. तो हम दोनों यहाँ पे लिख देते हैं कि रियल रूट इक्वल्स टू 2 एंड नॉन रियल रूट इक्वल्स टू 1 प्लस आई. तो अब सेम एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल और नॉन रियल दोनों आते हैं. ऐसा सिर्फ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करे. तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अब डिफरेंस बता सकते हैं कभी भी या किसी को. सो ऐसे ही आप जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आप ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके थैंक यू.